मेरे प्यारे YouTube विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आज की इस YouTube वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज एप्लीकेशन स्टेटस NTPC का कब आएगा और मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम कब होगा, इन्हीं दो रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ दी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके NTPC का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा। उसी को लेकर जो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं विनोद कुमार, उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है कि आपका एग्ज़ाम होगा। और जो उन्होंने आधिकारिक घोषणा की है, उससे स्पष्ट हो गया है कि एग्ज़ाम आपका इसी वर्ष NTPC का होने जा रहा है। और कई लोग जो YouTube पे बरगला रहे थे विद्यार्थियों को कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, मैं कल भी फॉर्म था, आज भी फॉर्म हूँ कि आपका एग्ज़ाम NTPC का दिसंबर 2020 में होगा। और ये 100% ही नहीं, 110% कंफर्म हो गया कि आपका एग्ज़ाम NTPC का दिसंबर 2020 में होगा। मैं कई समय से, 2 महीने 3 महीने 5 महीने पहले से ही ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि आपके NTPC का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा, जिसकी आधिकारिक पुष्टि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने कर दी। अब रही बात मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के एग्ज़ाम की, तो मैं आपको बता दूँ कि मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह से लिया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 यानी अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह से लिया जाएगा। और चूंकि ये बहुत छोटा एग्ज़ाम होता है, इसमें कैंडिडेट्स और जो ये है वो काफ़ी कम है, इस हिसाब से ये एग्ज़ाम बहुत कम दिनों में सलट जाएगा। मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का कुछ ही पोस्ट पे परीक्षा होती है इसकी, और जो कैंडिडेट्स है उसके अनुपात में देखा जाए NTPC और ग्रुप डी के अनुपात में तो काफ़ी कम होते हैं, इसलिए ये परीक्षा बहुत ही जल्द निपट जाएगी। तो जो मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो सुन लो कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। जहाँ तक रही बात एप्लीकेशन स्टेटस की NTPC की, तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस 15 नवंबर से आना शुरू हो जाएगा। आप सभी का एप्लीकेशन स्टेटस 15 नवंबर से आना शुरू हो जाएगा। तो दो बड़े खुलासे मैंने आपके साथ किए हैं। पहला खुलासा क्या है? पहला खुलासा ये है कि मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगा और वो भी इसी वर्ष होगा। और मिनिस्टेरियल, ठीक है, किसका? मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इसी वर्ष होगा। और NTPC का एप्लीकेशन स्टेटस 15 नवंबर से आना शुरू होगा। आपका एग्ज़ाम NTPC का दिसंबर 2020 में होगा। और रही बात, मैंने आपको अपडेट भी किया था कि 21 तारीख को, आज 18 है, मैंने आपको एक बड़ी खुशखबरी दी, 21 तारीख को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है ग्रुप डी के विद्यार्थियों को लेकर। वो क्या खुशखबरी है, इसका खुलासा 21 जून को पता चलेगा। इसकी भी भनक किसी भी YouTube चैनल के पास नहीं है, ठीक है, किसी भी YouTube चैनल के पास इसकी भनक नहीं है जो मैं खबर लाने जा रहा हूँ 21 जून को। ग्रुप डी वालों के लिए खुशखबरी है, मैं इसमें कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहता, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ग्रुप डी वालों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। 21 जून को ये खबर आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे जितने भी वीडियोज़ आती हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि केवल और केवल एकमात्र चैनल है पंकज सर का जो कि आपको सही न्यूज़ देता है और जो चीज़ें होने वाली होती हैं उसका उसका भविष्य बताने वाला एकमात्र चैनल पंकज सर का चैनल है, खुलासा करने वाला चैनल पंकज सर का चैनल है, ठीक है। यानी
जो खबर आने वाली होती है उसको मैं पहले ही आपके सामने रख देता हूँ, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। इसका बहुत सारे बच्चे प्रमाण मांगते हैं, इसका क्या प्रमाण होता है? अब आपके सामने बड़ा प्रमाण मिल गया कि आपका एग्ज़ाम, मैं कई महीनों से कहता आ रहा था, चिल्लाता आ रहा था कि आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा, और ऐसा ही हुआ। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है विनोद कुमार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। तो मैं आज आपको, मैंने बताया एप्लीकेशन स्टेटस एनटीपीसी का कब आएगा, मैंने आज आपको बताया कि मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम कब होगा, और 21 जून को बताऊंगा कि ग्रुप डी से रिलेटेड सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 21 जून वाली सबसे बड़ी न्यूज़ मिल सके। देखिए, अब मेरा चैनल, देखिए मैं तो मोनेटाइज नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मैंने सोचा और समझा, मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया है, अब उस पर एड्स भी आते होंगे। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैंने इसलिए चैनल को मोनेटाइज किया है कि इससे जो भी अर्निंग होगी वो इस चैनल को स्पॉन्सर्ड करने में रखा जाएगा, इस चैनल को मॉडिफाइड करने में, और जो भी इस चैनल की मजबूती के लिए होगा वो किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में कुछ हेल्प भी किया जाए गरीब छात्रों को इस चैनल के थ्रू, उसके लिए भी जो अर्निंग आएगी इस यूट्यूब चैनल से, वो गरीब छात्रों, इसका जो कुछ परसेंटेज है वो गरीब छात्रों को दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, या जो मेरे फैंस हैं, या जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो कृपया कर आप एड्स को देखिए, ठीक है? एड्स को स्किप मत कीजिए, उसको 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड, क्योंकि आपके द्वारा देखा गया ये 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड भी मायने रखता है, और ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका मेरे प्रति होगा। जब आप एड्स को देखिएगा तो इस चैनल की कमाई होगी, और इस चैनल की कमाई होगी तो ये चैनल मजबूत होगा, ये चैनल आपके थ्रू स्पॉन्सर्ड होगा, ये चैनल आज भी आप ही के नाम से जाना जाता है, ये पंकज सर का चैनल नहीं है, ये आप सभी विद्यार्थियों का चैनल है, ये सभी आप दर्शकों का चैनल है। आपकी अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा आपका, तो ये चैनल काफ़ी ग्रो करेगा, और ये चैनल आपके थ्रू स्पॉन्सर्ड होगा। और मैं इसकी घोषणा करता हूँ आज, आधिकारिक घोषणा, कि 25 से 30% जो चैनल की अर्निंग होगी उसका हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। और वो कैसे दिया जाएगा, मैं इसकी आगे की घोषणा करूँगा भविष्य में कि ये कैसे किया जाएगा, ठीक है? तो आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस वीडियो को देखा, आपको बता दूं कि 21 जून को सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी ग्रुप डी को लेकर आने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।